केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर पहुंचा है। ऐसे में प्रदेश सरकार 4 साल के कार्यकाल का जश्न कैसे मना सकती है। उन्होंने जोधपुर में कहा कि राजस्थान में केंद्र द्वारा मांग से अधिक यूरिया उपलब्ध करवाए जाने के बाद भी किसानों को लाइन में लगकर यूरिया लेना पड़ रहा है, किसान परेशान है। इस बात का कि भारत सरकार द्वारा जितना राज्य ने मांगा उससे ज्यादा खाद उपलब्ध कराने के बावजूद भी राजस्थान में किसान आपकी कुप्रबंधन के कारण से कालाबाजारी के चलते जिस तरह से पंक्तियों में खड़े, 1,000 किसान लाइन में यूरिया की दुकान के सामने खड़े थे, क्या उन किसानों को जो पीड़ा भोगनी पड़ रही है उसका जश्न है? ये जो कालाबाजारी और भ्रष्टाचार से जो पैसा अर्जित किया और सरकार के धन को, जनता के धन को इस जश्न पे खर्च करने के बजाय भोगरा के पीड़ितों को दिया होता तो शायद जनता आपके इन कुकृत्यों के लिए आपको कहीं माफ कर देती। अब आपको माफी नहीं मिलने वाली है। राजस्थान की जनता एक एक दिन गिन करके इंतजार कर रही है। 4th जश्न मनाइए और 5वें साल में आप मातम मनाने की तैयारी कीजिए।